नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदाघर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज सौदाघर का कैमरा आ चुका है रहतनी लोकेशन में और आज आपको इस लोकेशन से इस प्रोजेक्ट का रिव्यू दिखाने वाले हैं। काफी लंबे समय से आप लोग रिव्यू नहीं देख रहे हैं और आपके तमाम जो है डिमांड आए हुए हैं कि अलग अलग प्रोजेक्ट के रिव्यू आपको दिखाए जाए, तो आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है। लगातार आप वीकली जो है रिव्यू देख पाएंगे और आप अगर चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट का रिव्यू देखना तो उसे कमेंट में लिख के जरूर बता दें। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और हमें मिलता रहे आपका प्रोत्साहन। आइए साथियों, इस प्रोजेक्ट के चारों तरफ के लोकेशन को एक बार समझ लेते हैं। बात करें ईस्ट डायरेक्शन की तो इस तरफ आपको पौना रिवर, पिंपरी गांव और नासिक फाटा दिख जाता है। बात करें वेस्ट डायरेक्शन की तो इस तरफ आपको रहतनी का पूरा हिस्सा, चिखली, कसपटे, वस्ती, BRTS भी इसी तरफ मौजूद है। बात करें नॉर्थ डायरेक्शन की तो इस तरफ आपको कालेवाड़ी और हेडगेवार रोड मौजूद मिलता है। वहीं बात करें साउथ डायरेक्शन की साथियों, तो इस तरफ आपको वाकड़, भोसरी, BRTS और पिंपले सौदागर का पूरा हिस्सा फैला हुआ है। इस माइक्रो लोकेशन और इस आसपास के लोकेशन को अफेक्ट करने वाला एक सबसे बड़ा फैक्टर, जो कि काफी लंबे समय से लोग यहाँ इंतजार कर रहे थे, अगर आप पिंपले सौदागर रोड को देखें तो यह रास्ता काफी पहले यानी कि 2011 के पहले ही वाइड हो चुका था और उसके बाद लगातार लोग इंतजार कर रहे थे कि जो पौना रिवर पर ब्रिज बना है वह ब्रिज वाइड हो या फिर उसके बगल में एक और ब्रिज बनाया जाए। अभी आप मैप पे भी देख सकते हैं कि 2011 के बाद से लगातार जो लोग इंतजार कर रहे थे, यहाँ पर ब्रिज का काम चालू नहीं हुआ और यह ब्रिज का काम 2021 में स्टार्ट किया गया। फाइनली अब जाकर यह ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है और पुराने ब्रिज को अभी रेनोवेट किया जा रहा है, जिसे आप अभी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अगर आप देखें तो यह ब्रिज आपको पिंपरी से पिंपले सौदागर को जोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो चाहे वो रहतनी हो, चाहे वो पिंपरी हो, चाहे वो पिंपले सौदागर हो, इस पूरे लोकेशन के लिए काफी मददगार साबित होगा यह ब्रिज और इससे कहीं ना कहीं आसपास में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको काफी सुकून मिलने वाला है। आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है अंबरवुड और इसे SMP नम्रता एसोसिएट्स के अंतर्गत बनाया जा रहा है। वीडियो तो आप लोगों को पसंद ही आ रहा होगा, तो लाइक शेयर करने के साथ साथ अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आपको तमाम इन्फॉर्मेटिव जानकारियां मिलती रहेंगी। यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 3.25 एकर्स में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत 4 टावर्स रहने वाले हैं, A, B, C और D, जिसमें डी बिल्डिंग के अंतर्गत शॉप्स एंड माढ़ा के फ्लैट्स रहने वाले हैं और इस बिल्डिंग का एंट्री एग्जिट सेपरेट दिया गया है। हाइट ऑफ टावर की बात करें तो टावर A, B और C ग्राउंड प्लस 3 लेवल पार्किंग प्लस 22 फ्लोर के रहने वाले हैं, जिसमें सी बिल्डिंग को अभी लॉन्च नहीं किया गया है। वहीं टावर डी ग्राउंड प्लस मेजनिन प्लस स्टिल्ट और इसके ऊपर 8 फ्लोर का रहने वाला है। इस प्रोजेक्ट में मौजूद एमिनिटीज को अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बात करें फ्लैट्स पर फ्लोर की तो ए बिल्डिंग में 7 फ्लैट्स पर फ्लोर रहने वाले हैं, वहीं बी बिल्डिंग में कुछ फ्लोर्स पर 5 और कुछ फ्लोर्स पर 6 फ्लैट्स रहने वाले हैं, सी बिल्डिंग में 5 फ्लैट्स पर फ्लोर रहेंगे, वहीं डी बिल्डिंग में 4 फ्लैट्स पर फ्लोर रहने वाले हैं एज पर करंट सैंक्शनिंग। वहीं लिफ्ट्स की बात करें तो तीनों टावर्स में 4 लिफ्ट्स पर बिल्डिंग रहेंगे, जिसमें से एक लिफ्ट फायर लिफ्ट रहने वाला है। प्रोजेक्ट के लॉन्च डेट की बात करें तो इसी साल अप्रैल में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। वहीं महारेरा पोजीशन डेट को समझे तो दिसंबर 2028 इसका पोजीशन डेट रहने वाला है। इस प्रोजेक्ट में कोई भी लिटिगेशन नहीं है। आइए इस प्रोजेक्ट में मौजूद इन्वेंट्रीज और इसके प्राइसिंग को समझ लेते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1, 2, 3 और 4 BHK ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें 1 BHK सेल के लिए ओपन नहीं है। बाकी आप इसके साइज और प्राइसेस को अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरे प्रोजेक्ट में मौजूद नंबर ऑफ फ्लैट्स की बात करें तो पूरे प्रोजेक्ट में 406 टेनेमेंट्स रहने वाले हैं। आइए प्रोजेक्ट के कंजेशन को समझ लेते हैं। 125 फैमिलीज पर एकर रहेंगी,
जो कि आज के समय के हिसाब से कहा जा सकता है कि ऑन अ लोअर साइड है। आइए इस प्रोजेक्ट के वाटर कंजम्पशन को समझ लेते हैं। पर डे पर पर्सन 135 लीटर कंज्यूम होता है एज पर नॉर्म्स। पर डे पर फैमिली को समझे तो एक फैमिली में पांच लोग, उसके हिसाब से 675 लीटर कंजम्पशन आने वाला है। तो समझ लेते हैं टोटल वाटर कंजम्पशन पर डे, तो वो रहेगा 274,050 लीटर, यानी अगर आप इसे 10,000 लीटर कैपेसिटी के टैंकर्स में कन्वर्ट करें तो लगभग 27 टैंकर्स की रिक्वायरमेंट पर डे रहेगी अगर टैंकर्स की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कॉरपोरेशन की तरफ से वाटर सप्लाई मिलता है तो यह भी हो सकता है कि जो टैंकर्स की रिक्वायरमेंट है पर डे की वो कम हो जाए। आइए साथियों अब देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट से आईटी हब, रेलवे स्टेशन, पुणे एयरपोर्ट और की लोकेशंस के डिस्टेंस को और वहां पर पहुंचने के लिए एस्टिमेटेड टाइम को भी समझ लेते हैं। आइए साथियों इस प्रोजेक्ट के प्रोज और इसके कॉन्स को समझ लेते हैं। साथियों प्रोजेक्ट एक तरफ देखें तो गुंठेवारी में कंस्ट्रक्शन हुए हैं, यानी यहाँ पे जो इंटरनल रोड है वो काफी नैरो है, लेकिन अगर आप जहाँ पे प्रोजेक्ट ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पूरे पैच को देखेंगे तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दूसरी तरफ आपको पौना रिवर दिख जाती है और अगर आप देखें तो इसके डायगोनली अपोजिट में शास्त्री नगर का जो ओपन लैंड है जो कि आर्मी लैंड है उससे कहीं ना कहीं एक ग्रीन पैच भी इस लोकेशन में इस प्रोजेक्ट के पास में मिल रहा है। साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट और भी है, कुछ मंथ्स पहले सौदागर ने इलेक्ट्रिक पीवी के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया था और आपको बताया था कैसे आप इसके जरिए अपना मेंटेनेंस काफी हद तक कम कर सकते हैं और वाटर वेस्टेज को भी कैसे बचा सकते हैं। और सौदागर ने सुझाव भी दिया था कि डेवलपर्स इसे अपने प्रोजेक्ट में शामिल करें। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिक पीवी का यूज किया गया है और इसके लिए प्रोजेक्ट को IGBC सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है क्योंकि ये पिंपरी चिंचोड़ से भी अच्छे से कनेक्टेड है और अगर आप इधर वाकड़ की तरफ भी आना चाहें तो उधर भी आने के लिए आपके BRTS मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। कहीं भी अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदने में कोई दुविधा आ रही है तो उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे प्रेस करिए और अपनी समस्या हम तक पहुंचा दीजिए। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। यदि आपको सौदागर का प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करने में क्या जा रहा है, इसे लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन लगातार मिलते रहें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।